राजेश सर, इस पूरी मूवमेंट में ब्लैक सी बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। अगर ये वाकई दोनों ये कहते हैं कि हमारा एक रूटीन गश्त था, क्या वजह है कि हम आज इस लिहाज से इसको लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट अमेरिका और रशिया के बीच ये पहली बार हम एक फिजिकल कॉन्टैक्ट देख रहे हैं जहां दोनों अपने अपने तरफ से बड़े दावे भी कर रहे हैं। जी हाँ, एक साल से ऊपर से चल रहा है और ये पहली बार है कि डायरेक्टली यूएस ड्रोन और रशियन एयरक्राफ्ट के बीच में टकराव हुआ है। तो ये कोई एक नया पहलू पैदा करता है, लेकिन इसका अगर विश्लेषण करें तो ये पता चलेगा कि ड्रोन अनमैंड है, अनआर्म्ड है, इंटरनेशनल वाटर से इंटरनेशनल एयर पे है। स्वाभाविक है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मेजर का एक तरीका है जो सारे देश अपनाते हैं, पीस टाइम हो या वॉर टाइम। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसके ऊपर रशियंस का हमला करना, क्या ये ऊपर से हुक्म आया था या ये लोकल एक्सीडेंट था, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की चीज कोई हुक्म आया होगा कि आप इसको डिस्ट्रॉय करो। हालांकि अगर हुक्म आया भी होगा तो पता तो चल नहीं पाएगा। नहीं, कोई कभी ये एक्सेप्ट तो करेगा नहीं कि हाँ हमने हुक्म दिया था कि जाओ और जाकर ड्रोन को टक्कर मार दो। इन्फ्रेंसेस होते हैं, हम ये भी चाहते हैं, नोबडी एस्केलेशन तो बिग पावर्स नहीं चाहेंगे, किसी और से लड़वाएंगे, बिल्कुल खुद युद्ध में सामने नहीं आएंगे। तो अभी हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट हम उसको देते हैं कि शायद जो पायलट से वो एग्जुबरेंस में या लेकिन सर अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई बिना पुतिन के इशारे के संभव भी नहीं है, ये भी एक अलग बात है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए एक और अहम खबर स्वतोब में, रूस यूक्रेनी सैनिकों के बीच हुई भीषण जंग, रूस यूक्रेनी सैनिकों में आमने सामने से फायरिंग चल रही है, ये देखिए फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। और वहीं क्रेमनिया से अहम खबर है, क्रेमनिया में यूक्रेनी फोर्सेस पर जबरदस्त अटैक हुआ है, रूसी फौज ने होवित्ज़र से यहां गोलाबारी की है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। तस्वीरें दरअसल क्या गवाही देती हुई नजर आ रही हैं, जहां हम ये उम्मीद कर रहे थे कि साल गुजरने के बाद कोई ऐसा लम्हा आएगा, कोई ऐसा वक्त आएगा जब दोनों मुल्क एक साथ बैठेंगे और कम से कम ये खबर हमारे सामने होगी कि जंग खत्म होने वाली है, लेकिन अब तो दूर दूर तक उसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं, टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, किधर जाती जंग नजर आ रही है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि कई बैकडोर डिस्कशंस हो चुके हैं जी, और जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कहा गया है, पुतिन ने कहा है कि हम बात करेंगे अगर जो जो हमने इलाके लिए हैं वो आप माने के रशियन हैं, और जेलेंस्की ने कहा है मैं तब तक बात नहीं करूंगा जब तक सारी रूसी फौज यहां से ना चले जाए। तो मुझे लगता है एक तरफ से आप देखिए कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो यूक्रेन को धीरे धीरे ज़्यादा आक्रमण के वेपन्स दे रही हैं, अभी पोलैंड देगा MiG-29 और पहले टैंक्स आ गए, और यहाँ पर रशिया भी, इन्होंने सोचा था कि ब्लॉकेड के बाद ये इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद रशिया टूट जाएगा, वो रशिया टूटा नहीं है और पुतिन नहीं मानने वाला। लेकिन हकीकत यह है सर, तनातनी बढ़ती जा रही है और इस बयानबाजी की वजह से सब कुछ एस्केलेट होता हुआ नजर क्यों आ रहा है? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।